हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद है कि लॉकडाउन का पालन कर ही रहे होंगे। चलिए, लास्ट वीडियो में जो हमने पढ़ा था तो अच्छे से याद होगा कि मैंने क्या पढ़ाया था आपको, जिसमें केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बेसिस पर हमने आपको बताया था कुछ टाइप्स ऑफ सेल के बारे में, हाँ, उसके बाद लिक्विड के बारे में बात करी थी कि लिक्विड कितने टाइप का होता है, केमिकली कितने तरह का होता है, जिस पर करंट पास करते हैं तो किस पर क्या इफेक्ट होता है, लास्ट वीडियो हमने देखा था। यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं वो जो लास्ट वीडियो हमने छोड़ा था वो था ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बोलने में तो लगता है फोर्स, बट फोर्स है नहीं, ये ऐसा ही है जैसे कि किसी का नामकरण कर दिया जाता है, अपने समाज में नाम रख दिया जाता है, ठीक है, और उसको उसी नाम से बुलाया जाता है, हकीकत में क्या होता है उससे कोई वास्ता नहीं रहता है। ये एक्चुअली क्या है कि ईएमएफ जो है वो सेल के अंदर जो हम पढ़ेंगे ये पुराने जमाने का मिस्टेक है, ठीक है, जिसको एनसीईआरटी की बुक में लिखता है इट इज ए मिसनोमर, मतलब इसको पुकारे जाने लगा गलत नाम से, तो कैसे सही किया जा सकता है, इसलिए इस पर नहीं जाना है। हमको क्या जानना है कि व्हाट इज ईएमएफ, ईएमएफ क्या है, हाँ, ईएमएफ का रिलेशन दूसरे पैरामीटर के साथ क्या है, हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। इस चक्कर में नहीं पढ़ेंगे कि इसका नाम किसने रखा था, गलत नाम क्यों रख दिया था, ठीक है, उस पर नहीं जाना है। हमें ये जाना है कि ये जो ईएमएफ है वो है क्या, वर्ड से तो फोर्स लगता है बट फोर्स है नहीं, फिर कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। तो देखते हैं हम लोग किसी किसी मतलब के सेल जो हम मार्केट से खरीद करके लाते हैं, उस मार्केट से सेल खरीद कर लाते हैं, उस वक्त जब यूज ना हुआ रहता है उसका सर्किट ओपन रहता है तो, और ऊपर लिखा हुआ रहेगा, जैसे सपोज करें कि हमने एक सेल लाया खरीद करके, उस पर लिखा था 6 वोल्ट और अभी यूज ही नहीं किया, और फिर कुछ देर बाद जब हमने यूज करना स्टार्ट किया तो फिर देखा क्या कि सेल से जो है ना एनर्जी यूटिलाइज होते होते सेल के अंदर जो है कम एनर्जी बचा है। इसका मतलब है क्या कि पहले जब यूज नहीं किए थे तो वो जो ईएमएफ था, वो जो पोटेंशियल डिफरेंस था वही ईएमएफ था, और अब अगर यूज कर रहे हैं तो अब ये ईएमएफ नहीं रहा, ये पोटेंशियल डिफरेंस हुआ। मतलब क्या कि किसी भी सेल का जब ओपन सर्किट में क्या रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। इनफैक्ट क्या है, हम उसको एग्जांपल से समझेंगे। तो 2-3 टर्म हम यहाँ पर पहले पढ़ेंगे, ईएमएफ पढ़ना है, टर्मिनल वोल्टेज पढ़ना है, हमें इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़ना है, और इन तीनों के बीच आपस में क्या रिलेशन है उसको एस्टैब्लिश करना है। EMF किन बातों पर डिपेंड करता है इसको भी पढ़ना है, इंटरनल रेजिस्टेंस किन बातों पर डिपेंड करता है इसको भी पढ़ना है, और टर्मिनल वोल्टेज और जो हमारा EMF है इसके बीच क्या रिलेशन है, क्या डिस्टिंग्विश है, क्या डिफरेंस है, उसको भी हम यहाँ पर डिटेल पढ़ेंगे। चलिए आते हैं, हेडिंग लगाते हैं, हम EMF लिखते हैं, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वो सब तो आप लोअर क्लास में पढ़ रही होगी, लेकिन यहां पर हम जो पढ़ने वाले हैं हम क्या करने वाले हैं, E for energy, हाँ, M for moving, हाँ, यहां पर F का मतलब इस टाइम यहां पर हम फोर ले लेते हैं जो बीच में रखते हैं, एनर्जी फॉर मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, हाँ, क्या किसके लिए एनर्जी, किसके लिए चाहिए, मूव करने के लिए चाहिए थ्रू आउट द सर्किट, तो कौन देगा, कोई तो देने वाला होना चाहिए ना, उसके लिए सोर्स यूज करते हैं, जैसे अपने घर पे पापा होंगे पैसा के, हाँ, पूरे सोर्स हैं, सारा पॉकेट मनी उन्हीं से लेते हैं और जाके बाहर में खर्च करके आते हैं, हम क्या हो गए कैरियर, बच्चों तुम क्या हो गए कैरियर, और पापा क्या हो गए सोर्स हो गए। तो किसी सर्किट में कोई जो सर्किट है, इस सर्किट में देखिए ये हमारा कोई क्या है अप्लायंस है और इसको हम किसी सोर्स से जोड़ रहे हैं, तो जब सोर्स से जोड़ेंगे तो ये सोर्स क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा, किसको, इस अप्लायंस को, तो किसी ना किसी वे से चाहिए ना, तो कौन सा वे, ये जो सर्किट है जिसको पास करते हैं, इसके थ्रू जब पास करेगा इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा, उसके साथ वो एनर्जी भेजेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इससे लेगा इसको देगा, इससे ले रहा है इससे दे रहा है इसको, ये अपना यूटिलाइज करके क्या किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में, हीट एनर्जी में, किसी और एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, दैट्स अदर मैटर। और फिर क्या होगा, फिर यहाँ कर 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 फिर यहाँ चलाएगा, फिर यहाँ से एनर्जी लेगा, फिर इसको देगा, वैसे जैसे अपने पापा से पैसा लिए, अपने दोस्तों में जाके खर्च किए, फिर पैसा घट गया, पापा जी पैसा दीजिए, मम्मी जी पैसा दीजिए, मम्मी जी से पैसा लिया, फिर जाके दोस्तों के पास साथ जाकर के अपना
खूब खाए पिए, पार्टी किए, मस्ती किए, तो वो क्या किए कि सोर्स का होना जरूरी है। और ईएमएफ किसी सोर्स का होता है बच्चों, और किसी सर्किट के टर्मिनल पर हम पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करते हैं, ना कि ईएमएफ को करते हैं। ईएमएफ किसी सोर्स का होता है, जैसे ये सेल ले रहे हैं ना, तो ये सेल क्या कर रहा है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है किसको, चार्ज को, कहां से कहां तक, थ्रू आउट द सर्किट, क्या करने के लिए, सर्किट पूरा करने के लिए एनर्जी चाहिए। हाँ, तो हम इसको क्या करते हैं, लिखते हैं डिफिनेशन, हम सिस्टमेटिक लिखते हैं, ऐसा नहीं कि आपको फिर बाद में दिक्कत हो कि हाँ सर नोट प्रोवाइड नहीं करेंगे तो कैसे लिखेंगे। लिखिए लिखिए इसका डिफिनेशन, लिखिएगा द एनर्जी प्रोवाइड बाय द सोर्स, बाय द सोर्स to drive a charge, यहां पर आप चार्ज कैरियर भी लिख सकते हैं बच्चों, चार्ज कैरियर थ्रू आउट द सर्किट, थ्रू आउट द सर्किट, इज कॉल्ड ईएमएफ, इलेक्ट्रो मोटिव। ये भी एक तरह का क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस ही है, लेकिन किसी सोर्स का पोटेंशियल डिफरेंस है। वैसे ही क्या कि हमने आपको लास्ट डे आपको बताया था, ये बैटरी का बैटरी मेकानिज्म है, बैटरी का क्या सेल का क्या है, ये मेकानिज्म है जिस पर एनोड पर जो चार्जेस हैं, एनोड पर जो जो भी है, एनोड पर जो चार्जेस हैं, ऐसे इस तरह से दो हमारा इलेक्ट्रोलिसिस में पढ़े थे केमिस्ट्री में भी आप, हाँ, इसके अंदर हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा। हम क्या कर रहे हैं, इसको जब हम किसी सोर्स से जोड़ रहे हैं, या नहीं तो हम किसी सोर्स से, सपोज करो हम इस तरह से यहाँ प्लस हमारे से इसको जोड़ देते हैं, तो यहाँ देखिए कि ये एनोड इस पर आएगा, कैथोड, कैथोड ये वाला प्लेट है बच्चों, फिजिक्स का कंसेप्ट केमिस्ट्री के कंसेप्ट से यहाँ पर थोड़ा सा डिफर करता है, ध्यान रखिएगा लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था कि एनोड पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा और कैथोड पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन याद रखिएगा कि चार्ज का फ्लो किधर हो रहा है, इसको हम सेल से जोड़े थे, तो करंट कैसे फ्लो हो रहा है, इस साइड से फ्लो हो रहा है, ऐसे इधर से, ठीक है, ऐसे फ्लो होगा, राइट ना। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, समझ गए बात को। तो ये वाला चार्ज यहां से यहां तक, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक लाने में इलेक्ट्रॉन चार्ज को जो वर्क किया जाता है, उसी वर्क का नाम क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हाँ, इसी वर्मा की बुक में आप देखेंगे तो वहां पर लिखा होगा बैटरी मैकेनिज्म। बैटरी मैकेनिज्म को लिखने का मतलब उनके ये हो गया, उन्होंने डिटेल नहीं कहा कि यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है तो रिएक्शन कैसा होगा, किधर कैथोड होगा, किधर एनोड होगा, और कहां से कहां तक ये वर्क चाहिए करने के लिए, क्योंकि चार्जेस को फॉलो करना है, तो कैसे ये निगेटिव पर निगेटिव क्यों आएगा, तो मैं एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा ना, कौन कर रहा है, बैटरी कर रहा है, तो ज्यादा ये केमिस्ट्री के एस्पेक्ट्स में चला जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर सिर्फ उन्होंने लिखा क्या, बैटरी मैकेनिज्म। बैटरी मैकेनिज्म लिखने का मतलब क्या, उनके रिएक्शन को कंसिडर नहीं किया कि रिएक्शन कैसे हो रहा है और उस रिएक्शन में क्या होना है और क्या करना है, और एक्सटर्नल वर्क जो कर रहे हैं वही एक्सटर्नल वर्क का हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं, क्या आई बात समझ में, उसको कहते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या दूसरे किस में इसको हम लिख सकते हैं, इट इज एन ईएमएफ ऑफ अ सेल और सोर्स इन ओपन सर्किट। किसी ओपन सर्किट में किसी सोर्स का जो है ईएमएफ जो होता है, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, वही पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाता है, ये यहाँ पर PD लिखेगा, पोटेंशियल डिफरेंस लिखेगा, वही क्या कहलाता है, EMF कहलाता है। EMF is nothing but it is potential difference of a source when it is not connected to a circuit। किसी सर्किट में जब हम उसको कनेक्ट नहीं करते हैं तो क्या होगा, ये हमारा क्या कहलाता है, EMF कहलाता है। अब तो जानते ही हैं EMF क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, छोटी मोटी बात है, आप लिख सकते हैं साथ साथ, ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, और इसका जो यूनिट होगा क्या होगा, जूल पर कूलम होता है, इसी का दूसरा नाम क्या है, वोल्ट है, ठीक है, इसी के सिस्टम में इसी को क्या कहा जाएगा, स्टैट वोल्ट कहेंगे, स्टैट
वोल्ट कहेंगे, ठीक है। और इसी का हम अगर डायमेंशनल फार्मूला के बारे में बात करेंगे, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए इनवर्स, ये हमारा क्या इसका डायमेंशनल फार्मूला है। पहली बात आप तो समझ गए कि ईएमएफ क्या होता है, उसको हम एक छोटे से एग्जांपल समझने की कोशिश कर रहे हैं। आइए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं छोटे से एग्जांपल से। चलिए बच्चों देखेंगे एक छोटा सा एग्जांपल जिसके बारे में बात कर रहे थे, ईएमएफ का एग्जांपल है एकदम छोटा सा। देखिए यहाँ पर कोई टैंक है जिस टैंक में क्या करिए वाटर फिल कर लिए हैं और उसमें क्या किया बॉल यहाँ पर देखिए जा रहा है इसे ऐसे मूव कर रहा है, जाता है गिरता है, ग्रेविटी अपना काम कर रहा है, ग्रेविटी इस बांधने देता है, ये निकला फिर नीचे से उठाया ऊपर रख दिया, ग्राउंड लेवल से उठा रहा है ऊपर रख रहा है, ये आपका क्या होगा अपर लेवल, अपर लेवल। और हम जानते हैं बच्चों ना कि चार्जेस का फ्लो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होगा, तो इसी तरह से यहां पे देखिए बॉल का जो है मूवमेंट किधर होगा अपर लेवल से लोअर लेवल की तरफ होगा, ग्राउंड लेवल की तरफ होगा। तो मेहनत कौन कर रहा है, ये जो आप हैं, आपका फोटो है देखिए कितने स्मार्ट हैं आप, आपका फोटो है देखिए इसे उठा रहे हैं, उठा के ऊपर रख रहे हैं, जैसे रख के बॉल लुढ़कने लगा लुढ़कते लुढ़कते आया ग्रेविटी अपना काम किया और ये फिर आया इधर, फिर आप उसको उठा के रखे तो आप क्या कर रहे हैं कंटिन्यू वर्क कर रहे हैं। तो आप जो कंटिन्यू वर्क कर रहे हैं वही काम तो सेल कर रहा है, सेल क्या कर रहा है एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड में, एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड को क्या कर रहा है चार्ज भेज रहा है, कब से जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है, जब टूटता है स्प्लिट होता है तो क्या होता है चार्ज क्या होता है मूव करता है, हम तो जानते हैं कि चार्ज कंटिन्यूअसली मूव करता है किधर से किधर हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, उसी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के फॉलो होने की वजह से क्या होता है करंट का फॉलो होता है, याद रखिएगा करंट का फॉलो इलेक्ट्रॉन के फॉलो के अपोजिट डायरेक्शन होता है, ये क्या कर रहा है इसके अगेंस्ट क्या करना वर्क कर रहा है, जैसे ये क्या कर रहा है ग्रेविटी के अगेंस्ट उठा रहा है, आपने मोटर लगा दिया मोटर क्या कर रहा है ग्रेविटी के अगेंस्ट वाटर को भेज रहा है, उसी तरह से घर में अपने फ्रिज है, फ्रिज में जो काम होता है क्या होता है वो अगेंस्ट वर्क होता है, अगेंस्ट वर्क में हमको क्या करना पड़ेगा एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा बच्चों, तो वही एक्सटर्नल वर्क क्या हो जाएगा एनर्जी के फॉर्म आ जाएगा, वही क्या करेगा ड्रिफ्टिंग हो जाएगा, वही क्या करेगा एनर्जी को ड्राइव करेगा चार्ज को ड्राइव करेगा, ड्राइव करने में चार्ज को पूरे सर्किट में ड्राइव करने में जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसी एनर्जी का नाम क्या है उसी एनर्जी को कहते हैं ईएमएफ, ईएमएफ को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, ईएमएफ बराबर क्या होगा W कौन सा जो भी हमको एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है वो और अपॉन चार्ज, जिसके बेसिस पर हम इसके यूनिट को क्या बोले थे जूल पर कूलम बोले थे या उसी का नाम वोल्ट रखा गया था। याद इस बात को रखना है कि जो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है जो बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट का नेचर है ये ईएमएफ उत्पाद पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड नेचर ऑफ मेटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड इन बात पर डिपेंड करता है क्या, हाँ इन बात पर डिपेंड करता है ईएमएफ का वैल्यू, लेकिन साथ ही साथ कौन सी बात पर डिपेंड नहीं करता है वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि अमाउंट इलेक्ट्रोलाइट का कितना है, ठीक है अमाउंट इलेक्ट्रोलाइट का कितना है उसके साइज कैसा है इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोड का उसके बाद सेपरेशन कितना है इस बात पर डिपेंड नहीं करता, इस पॉइंट पे हम लोग लिख लेते हैं डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का तो नेचर हो गया, यहां पर हम लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लिखना चाहिए था, साइज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लिखना चाहिए था, साइज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट उसके बाद सेपरेशन मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी कितनी है, सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रोड, और क्या था एक पॉइंट और था हमारा क्या वो डिपेंड नहीं करता सेपरेशन में और नहीं डिपेंड करता कि साइज ऑफ इलेक्ट्रोड हो गया और नहीं डिपेंड करता कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कितना है, एंड किस पर डिपेंड नहीं करता है ये अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड नहीं करता है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कितना है इस बात पर डिपेंड नहीं करता है। बात समझ में आ गई बच्चों
किसके बेसिक चीज को समझ गए, ये कैसी एनर्जी है जो ड्राइव करती है लोअर लेवल से लोअर पोटेंशियल से अपर पोटेंशियल के बीच, उसके बाद ये एनर्जी प्रोवाइड करती है जिसका नाम हमने ईएमएफ रखा है, ईएमएफ शुरू से होता हुआ नाम आएगा, ये मिसनोमर है, इसका वैल्यू क्या होता है W/Q। हाँ, यहाँ देखेंगे क्या जूल पर कूलम्ब इसी का यूनिट वोल्ट होगा, और सीजीएस में क्या होगा स्टैट वोल्ट होता है बच्चों, स्टैट वोल्ट होता है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, जस्ट अभी से पहले वाले उसमें बताया है पोर्शन पे, ये क्या है डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे करता है, और नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड मटेरियल जो है जो यूज किया गया उस बात पर डिपेंड करता है, और नहीं डिपेंड करता तो किस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि साइज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कितना है, उसका सेपरेशन कितना है इलेक्ट्रोड्स के बीच, उसके बाद ये साइज ऑफ इलेक्ट्रोड्स जो है वो क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स होना चाहिए बच्चों, इलेक्ट्रोड्स ठीक है ये होना चाहिए, सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रोड्स जो है कितना है वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता है, और अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कितना इस बात पर डिपेंड नहीं करता है, हमारा जो ये पोर्शन हमारा क्या हो गया, हम जो पढ़े अभी क्या ये हम जो पढ़े क्या ईएमएफ, अभी जस्ट इसके बाद अब पढ़ने वाले हम लोग टॉपिक हेडिंग लगाइए हम लोग पढ़ते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस, टॉपिक लिखिए इंटरनल रेसिस्टेंस, ठीक है बच्चों इंटरनल रेसिस्टेंस, हम अक्सर बोलते हैं कि हमारे इंटरनल मैटर पर आप क्यों दखल दे रहे हो, मेरा ये इंटरनल मैटर है, इंटरनल एनर्जी ये भी पढ़ा है, हाँ ये मेरा इंटरनल मैटर है, इसका मतलब जब इंटरनल बोलते हैं ना एक वर्ड जरूर दिमाग में इंट्रोड्यूस होता है कि जरूर कोई ना कोई एक्सटर्नल होगा, राइट एग्जाम भी देते हैं हम ये, तो आपके जो सेंटर पर होंगे वो इंटरनल है, जो सेंटर से बाहर आते हैं ऑफिसर वो एक्सटर्नल हो गए, उससे डर लगता है नहीं कितना है, सेम चीज वैसे ही है कि जब कभी हम किसी सेल को देखते हैं तो सेल जो है वो तो हमने कहा कि कई तरह का सेल होता है, वो एक होता है जिसमें मतलब लिक्विड फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइट रहता है, और कुछ ऐसे सेल होता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट नहीं रहता है, कुछ केमिकल्स रहते हैं जैसे हमारे पास ड्राई सेल वगैरह, तो चाहे जिस तरह का सेल हो वो सेल क्या करता है हमें एनर्जी देता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, हाँ तो एनर्जी जो प्रोवाइड करता है उस दौरान क्या होता है आपस में कुछ ना कुछ, जब कभी आप सेल के अंदर क्या होता है देखते हैं इस तरह से, ये जो सेल है इस सेल के अंदर हमने कहा कि इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, एक इलेक्ट्रोड यहाँ है दूसरा इलेक्ट्रोड यहाँ है, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट है, ये इलेक्ट्रोलाइट का नेचर कैसा है क्या है नहीं है, हाँ एक्वस है एक्वस है या मोल्टन फॉर्म है, ये अदर मैटर है, हम बस इतना जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो चार्ज को क्या किया गया ड्राइव किया गया किसकी वजह से ईएमएफ लगा करके, तो यहाँ से यहाँ तक आने में बीच में जो पार्टिकल्स हैं किसके इसी इलेक्ट्रोलाइट के, ये क्या करेंगे अपोज करेंगे किसका इसको जाने का, तो क्या होगा ये इलेक्ट्रोलाइट एक रेसिस्टेंस जनरेट करता है, रेसिस्टेंस हमारे डेली लाइफ में बहुत है, कोई अच्छा काम करिए ना बहुत सा रेसिस्टेंस होगा, बहुत सी अपोजिट प्रॉपर्टी होगी, चलिएगा फ्रिक्शन काम करने लगेगा, हाँ समाज में अच्छा काम करिएगा पड़ोस के वर्मा जी वो आपसे जलने लगेंगे, ठीक है पड़ोस आपका जलने लगेगा, इवेंट छोड़ दीजिए आपके घर के फैमिली मेंबर्स में भी सब लोग आपके काम से सब लोग आपकी एक्टिविटी से कुछ नहीं होते हैं, तो क्या है इंटरनल मैटर है, तो सेम चीज है कि जैसे यहां से यहां तक आएगा ये इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा अपोज करेगा किसका इसके चार्ज के ड्राइव करने का, चार्ज के यहां से यहां तक फ्लो होने का ये क्या करता है अपोज करता है, उसी को कहते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस। अब हम यहां पर देख लेते हैं आप जो यहां पर खड़े हुए थे आप थे एक्सटर्नल, ठीक जैसे आपने इसको यहाँ दिया वैसे ये नीचे आने लगा होगा, तो क्या ये जो लिक्विड है उस पर अपवर्ड फोर्स जो बोयांसी फोर्स है वो नहीं लगाया होगा, अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगाया होगा, ये ग्रेविटेशन फोर्स नीचे था और बोयांसी फोर्स ऊपर था, तो ये बोयांसी फोर्स जो है ना यहाँ पर क्या काम कर रहा है उसी तरह का काम कर रहा है जैसा कि यहाँ पर रेसिस्टेंस काम कर रहा था, वैसे जैसे कि आपके फैमिली के अंदर कोई आपका अपोज कर रहा हो, हाँ तो क्या कर रहा हो आपका अपोज कर रहा हो क्या है इंटरनल मैटर है, तो वही इंटरनल मैटर है यहाँ पर इंटरनल रेसिस्टेंस है, तो याद रखिएगा इंटरनल रेसिस्टेंस किसी सेल का होगा, है ना इंटरनल रेसिस्टेंस किसी सेल का होगा, क्योंकि जब सेल को देखते हैं वैसे अपने पास ड्राई सेल है उस ड्राई सेल को देखते हैं सिंपली सिंपल वाला सेल होता है ऐसा जो मार्केट से आप खरीदते हैं रिमोट के लिए रिमोट वाला सेल, तो यहाँ से यहाँ तक एक इलेक्ट्रोड लगा रहता है बच्चों, ठीक इसका लेंथ होगा कितना ये अपोज करेगा किसका फ्लो ऑफ चार्ज का, तो यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ होता है वो इस बात पर डिपेंड करता है इंटरनल रेसिस्टेंस के जो इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं उसका सेपरेशन कितना है, यहाँ पर जब यूज कर रहे हैं वो क्या है सेपरेशन कितना है कितने दूर पर सेपरेट किया गया है उस बात पर डायरेक्टली डिपेंडेंट है कि रेसिस्टेंस बढ़ेगा कब बढ़ेगा जब आप उसके सेपरेशन को बढ़ा दीजिएगा, कम होगा जब उसके सेपरेशन को घटा दीजिएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया
मींस यहां पर एरिया इमर्स इन द लिक्विड, कितना एरिया इसमें लिक्विड में पार्शियली जो ड्रॉप किया गया है कितना एरिया उसको क्या कर रहा कवर किए हुए है, उस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, एरिया घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, उल्टा होगा। यहां देखिए रेजिस्टेंस डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एज वेल एज नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का नेचर कैसा है, हाँ उस बात पर डिपेंड करता है कि कैसा है और इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन कितना है वो इस बात पर डिपेंड करता है। चौथा जो डिपेंडेंसी है वो क्या है, R is proportional to, that inversely proportional to temperature of electrolyte, इलेक्ट्रोलाइट के टेम्परेचर के अपोजिट है, मतलब वैसे हो गया जैसे इंडियन रुपीस का अमेरिकन डॉलर के साथ रिलेशन है, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा तो एक्सटर्नल तो क्या होगा, इसका मतलब क्या कि टेम्परेचर हाई होगा। याद इस बात का रखिएगा, जरा सा इस बात का याद रखिएगा कि दुनिया में कोई ऐसा सेल नहीं है जो आइडियल है, आदर्श है, लेकिन माना क्या जाता है, माना यह जाता है कि ऐसा सेल जिसका इंटरनल रेसिस्टेंस जीरो होगा, जिसका इंटरनल रेसिस्टेंस जीरो होगा तो वो क्या है, आइडियल सेल है, आइडियल सेल। ऐसा कोई आदमी बोल दीजिए जिस आदमी का कोई अपोज करने वाला नहीं हो, जो विरोध करने वाला नहीं हो, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि जितना विरोध होगा आपका उतना सक्सेस करिएगा, विरोध नहीं होगा। निकम्मे आदमी को तो कोई पूछता है, देखिए ना कोई नहीं पूछेगा, वैसे आदमी जो गांव में इधर उधर घूमता है कोई नहीं पूछता है, क्यों नहीं पूछता है, जानता है कि कुछ होने ही वाला नहीं, इसका पूछ करके करेंगे क्या, अपना एनर्जी क्यों यूटिलाइज करेंगे। वैसे सेल चाहता है कि अपना एनर्जी हम क्यों यूटिलाइज करेंगे ऐसी चीज पर जहां तक कोई काम ही नहीं हो, सर्किट यहाँ पर पूरा हो ही नहीं रहा तो क्यों करेंगे ऐसा, ये कब करेंगे, जब सर्किट पूरा होगा, जब आप कोई काम करेंगे तो क्या होगा, आपका अपोज होगा। उसी तरह से सेल जब वर्क कर रहा है तो इंटरनली क्या हो रहा है, उसका अपोज किया जा रहा है, उसी प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, इंटरनल रेजिस्टेंस। याद रखिएगा कि रेजिस्टेंस किसी करंट की प्रॉपर्टी नहीं है, यह मेटेरियल की प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू करंट पास हो रहा है, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में होगा या वो सॉलिड फॉर्म में होगा। अगर हम यहां पर बात करें तो यहां पर इस तरह से बात क्या कर सकते हैं, एक अगर हम सर्किट लेते हैं इस तरह से, अगर इस सर्किट का किसी सोर्स से हम उसको जोड़ते हैं और हमारा एक अप्लायंस लगा हुआ है, तो ये यहाँ पर दो चीज है, यहाँ पर एक हमारा अप्लायंस है और एक हमारे यहाँ पर एक सोर्स है, राइट। अब इस सोर्स का के अंदर कोई ना कोई तो इंटरनली होगा, इसका क्या, इसका अपना इंटरनल क्या होगा, इसका रेसिस्टेंस होगा, ये पूरी बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस और इसका अपना रेसिस्टेंस, हाँ इसका रेसिस्टेंस और इसका रेसिस्टेंस दो अलग अलग चीज है। और ये भी याद बात रखने की चीज है, जो इंटरनल रेसिस्टेंस होगा वो सर्किट के रेसिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगा, ये श्योर है, इंटरनल रेसिस्टेंस सर्किट के रेसिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है, वो सेल्फ डिपेंडेंट है, वो आपका इंटरनली कैसा बिहेव कर रहा है वो इस बात पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो कंबाइंड भी हम इसको लिखना चाहें तो अगर इसको हम कंबाइंड लिखना चाहें, टेम्परेचर हमारा अगर कॉन्स्टेंट होता है बच्चों, इसको अगर हम कंबाइंड लिखना चाहते हैं तो ऐसा होता है आर इज प्रोपोर्शनल टू एल सी अपॉन ए, ये हमारा क्या है, ये हमारा रिलेशन है जो कंबाइंड रिलेशन लिखते हैं। और किसी सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो इलेक्ट्रोड के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है, इलेक्ट्रोड का नेचर कैसा है इस बात पर डिपेंड नहीं करता है, इस बात पर डिपेंड करता है इलेक्ट्रोलाइट का नेचर कैसा है, राइट ना, क्योंकि करंट जिस रास्ते से बहेगा उस रास्ते पर, आपकी गाड़ी बहुत अच्छी है, आपने पल्सर खरीद लिया, आपने बहुत अच्छी अच्छी गाड़ी खरीद ली, लेकिन आपकी गाड़ी का वो स्पीड आपकी गाड़ी डिसाइड नहीं करेगी, वो रोड डिसाइड करेगा, रोड कैसा है, रोड का नेचर कैसा है, फ्रिक्शन होगा नहीं होगा क्या होगा, वो रोड डिसाइड करता है कि आप कितने स्पीड से गाड़ी को चलाएंगे। सेम चीज यहाँ पर है, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ना, इसका नेचर होगा कि ये कितना रेसिस्टेंस को जनरेट करेगा। इलेक्ट्रोड क्या है, इलेक्ट्रोड तो वैसे ही है, हाँ ये जैसे कि कोई अधिकारी है जिसके पास उसका अपना अधिकार नहीं है, उसको ऊपर से गवर्न किया जाता है, वैसे वो इंप्लीमेंटेशन होता है, सेम चीज वैसे ही है कि यहाँ पर इसको यहाँ से यहाँ तक आएगा, जब इसको इलेक्ट्रोलाइट इसको जाने देगा, हाँ इसको अपोज करने की प्रॉपर्टी कितनी होगी वो डिपेंड करता है कि नेचर उसका कैसा होगा, राइट ना। यहाँ पर नेचर के बारे में ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो अब जो है इसके बाद जो है आर जो है वो इंटरनल रेसिस्टेंस डिक्रीज करता है, ठीक है, इंटरनल रेसिस्टेंस जो डिक्रीज करता है वो कब, जितना हम बैटरी को यूटिलाइज करते हैं, यूज करते हैं। अभी सेल खरीद करके लाए थे, बैटरी खरीद करके लाए, अभी यूज ही नहीं किया, उसका फुल का फुल ईएमएफ हमारे पास है, ठीक है, ईएमएफ जब हमारे पास है तो उसका जितना इंटरनल रेसिस्टेंस वो फिक्स है, लेकिन जैसे जैसे हम यूज करेंगे वो क्या होगा, रेसिस्टेंस डिक्रीज करेगा टाइम टू टाइम,
ठीक है। चलिए अब अगला जो टॉपिक है हमारा क्या है, हो गया, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल बच्चों देखेंगे अब हम लोग टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज का मतलब ही क्या है, टर्मिनल का मतलब होगा सिरा, टर्मिनल का मतलब क्या होगा सिरा। तो यहाँ पर मतलब क्या होगा, जब हम किसी किसी सोर्स से, अभी सोर्स था ये बेचारा अकेला ऐसे था, इस पर प्लस चार्ज, इस पर माइनस चार्ज, ऐसे ही है जैसे भी आप लोग अकेले हैं सिंगल है, ठीक है। जैसे ये प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज, ये सोर्स है, इसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा। देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस को लिखने का तरीका है, बीच में तो लिख नहीं सकते हैं, इसे क्या करते हैं इसको अलग से लिखते हैं साइड में, हाँ। तो इसको ऐसे हम, ये क्या पूरा एक्सेल है, राइट। अब ये हो गया हमारा क्या इंटरनल जो काम था, ये हमारा इंटरनल मैटर। अब क्या होगा, इसको हम एक्सटर्नल किसी हम रेजिस्टर से या किसी हम सप्लाई से, किसी हम उससे अप्लायंस से जोड़ते हैं, राइट। तो यहां से यहां तक जो होगा, जब हम नहीं जोड़े थे तो वो ईएमएफ था, जैसे इसको जोड़ दिया ना, अब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसके टर्मिनल का, चाहे यहां लीजिए या यहां लीजिए, तो उसका क्या कहलाएगा, ये टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज तब होगा जैसे मार्केट से आप खरीद करके लाए 6 वोल्ट की बैटरी, अभी यूज नहीं किए थे तो था क्या, वो ईएमएफ था। अब उसको यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, उसका पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा ना, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस घटा, जैसे लाए थे हमने कितना, हम लाए थे 6 वोल्ट की बैटरी, अचानक से 5 नहीं हो जाएगा, अचानक से होगा 5.9 वोल्ट बचा, 5.8 रहा, 5.7 रहा। ये जो 6 था जब ये ओपन था, क्लोज नहीं था, तब ये क्या था बच्चों, ये था ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लेकिन अब ये क्या हो गया, अब हो गया ये पोटेंशियल, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये क्योंकि टर्मिनल का है, इसका टर्म दे दिया गया टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमने यहां पे पॉइंट लिख दिया है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी टू पॉइंट इन अ क्लोज सर्किट, किसी क्लोज सर्किट के बीच दो पॉइंट के बीच का जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। उसके बाद इट इज प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, क्योंकि हम ओम्स लॉ पढ़े V इक्वल टू IR पढ़े, दो पॉइंट के बीच जो भी रेजिस्टेंस होगा उस पर डिपेंड करता है। तो टर्मिनल पोटेंशियल भी, टर्मिनल ये हो, हाँ, वोल्टेज भी इस बात पर डिपेंड करता है इसके बीच के भी अक्रॉस जो है ना उसका क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, इस बात रेजिस्टेंस के बात पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्या है, इट इज अ मेजर बिटवीन, इट इज मेजर बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ ए सर्किट, किसी दो पॉइंट के बीच, दो बिंदु के बीच हमारा क्या किया गया सर्किट को, का मेजरमेंट है, मतलब मेजरमेंट का मतलब क्या, क्वांटिटी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वो है उसको करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, जब ये बैटरी चार्ज होगा, हमने कहा था कि दो चीज होता है, एक होता है वर्क डन ऑन द सिस्टम, एक होता है वर्क डन बाय द सिस्टम। एक बार होगा क्या कि पोटेंशियल डिफरेंस ग्रेटर होगा, हाँ ग्रेटर होगा किससे, ईएमएफ से, कब, जब बैटरी चार्जिंग में होगा, हाँ, जब बैटरी को चार्ज किया जाएगा, क्योंकि जब हम यहाँ पर देखते हैं बच्चों, यहाँ पर ऐसे केस में बैटरी क्या होगा डिस्चार्ज हो रहा है, बैटरी क्या हो रहा है डिस्चार्ज हो रहा है, क्योंकि यहाँ से चार्जेस निकल रहे हैं, हाँ, और यहाँ आएंगे, ठीक है। तो ये क्या, बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है, ऐसे केस में हमारा जो होगा ईएमएफ ज्यादा होगा टर्मिनल पोटेंशियल से, टर्मिनल, हाँ, वोल्टेज से, हाँ। लेकिन जब बैटरी को चार्ज किया जा रहा है तो एरो कैसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे केस में क्या होगा, इसका पोटेंशियल, इसका ईएमएफ कम होगा किससे, टर्मिनल वोल्टेज से, ठीक है। अभी जो हम पढ़ने वाले हैं, अब जो है वो रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, टर्मिनल वोल्टेज एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। चलिए जल्दी से इसको नोट करिए, अगला हेडिंग लगाइए, रिलेशन लास्ट हेडिंग है, इस पर फिर एक क्वेश्चन जो हमको करना है जल्दी से करें, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल। देखिए इस टॉपिक में हम जो पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल वोल्टेज। इसमें हम ये देखेंगे बच्चों, ये पहली बार इसमें जो टर्म हमने सर्किट ड्रॉ किया है, जो छोटा छोटा टर्म है इसको देख लेते हैं, फिर बाद में दिक्कत ना हो। तो सपोज यहाँ पर देखिए, हम जो लिखा है आर क्या है, वो इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। दूसरा क्या है, ये ई क्या है, ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ई क्या है, ये है टर्मिनल वोल्टेज या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल वोल्टेज। आई तो जानते हैं करंट, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी हम लोग करने वाले हैं, ठीक है ना। और आर क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट है, रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट या जो भी आप अप्लायंस यूज कर रहे हैं, ठीक है, लोड रेजिस्टेंस ऑफ अप्लायंस या सर्किट, ठीक।
यहाँ पर दो चीज है, एक बर्कन क्या होगा एक्सटर्नली होगा और एक बर्कन क्या होगा इंटरनली होगा। तो टोटल बर्कन के बारे में बात करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में टोटल बात अगर बात करते हैं टोटल के बारे में, देखें बर्कन कितना होगा, बर्कन क्या होगा टोटल ई एम एफ, और अगर हम चार से मल्टीप्लाई करते हैं पढ़े होंगे ई इजिकल टू डब्ल्यू आई क्यू होता है, ये पढ़े थे हम लोग। देखिए यहाँ पर दो पार्ट में बांटेंगे, एक इंटरनली एक एक्सटर्नली। एक्सटर्नली में देखते हैं अगर वर्क डन अगर हम एक्सटर्नली लेते तो क्या होगा, एक्सटर्नली अगर वर्क डन लेते बच्चों तो यहाँ पर हमको क्या होगा पढ़े एक वर्क डन साल होता आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। एक तो ये पढ़े हैं वर्क डन के बारे में आई स्क्वायर आर टी होता है, दूसरा जो है इंटरनल के बारे में पढ़ेंगे। इंटरनल में क्या होगा यहाँ पर देखेंगे, इंटरनल क्या होगा W इंटरनल बराबर क्या होगा यहाँ पर भी होगा आई स्क्वायर आर टी, क्योंकि उतना ही वर्क होगा जितना वो हीट में प्रोड्यूस कर देगा। जैसे ये रिलेशन हमने जूस में पढ़ा था, टोटल वर्क होगा क्या हम इसको देखेंगे, नेट वर्क कितना होगा हम देखेंगे। तो क्या होगा वर्क इजिकल टू क्या होगा, या तो हम एक्सटर्नली को देखेंगे और ये हम इंटरनली को देखेंगे, दोनों का ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, हमारे पास टोटल वर्क निकल जाएगा। चार्ज यहाँ से यहाँ तक पूरे सर्किट में जो ड्रॉ कर रहा है ड्राइव कर रहा है, तो यहाँ पर उसको अंदर वाला भी सामना करना पड़ रहा होगा और बाहर के ट्रैफिक को भी फेस करना पड़ रहा होगा। तो दोनों वर्कर्स को क्या करेंगे हम ऐड कर लेंगे सिंपली, देख लीजिए यहाँ पर होगा क्या आई स्क्वायर आर टी, ठीक, और प्लस यहाँ पर होगा क्या आई स्क्वायर आर टी। और डब्ल्यू के बारे में हमने पढ़ा है क्या होता है, देखिए ई इंटू क्यू, ये भी एक फार्मूला पढ़े थे ई इंटू और क्यू, और क्यू के बारे में पढ़ा है क्या क्यू इजिकल टू आई टी होता है, क्या होता है बच्चों आई टी। तो अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, यहां पर आई टी रहने दीजिए, से यहां पर हम आई स्क्वायर टी को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा आर प्लस आर हो जाएगा, देखिए टी से टी कैंसिल आउट हो गया, एक आई से एक आई कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा हमारे पास यहां पर, अगर हम करंट का वैल्यू निकालने की कोशिश करें या नहीं तो हम अगर इसको सीधे सिंपली ऐसे निकालने की कोशिश करें हो जाएगा क्या आई आर प्लस यहाँ पर हो जाएगा यार ये भी हो जाएगा आई आर। तो यहाँ देखिए ये इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, वी लिख सकते हैं ना, ई बराबर क्या होगा वी प्लस आई आर। तो ये जो वी है यही रिलेशन है किसके, यही रिलेशन किसके बीच में है ई एम एफ के बीच में बच्चों, ये आर रेजिस्टेंस है पूरा बड़ा वाला चलगा, हाँ ये क्या ई एम एफ है, ये पोटेंशियल, ये टर्मिनल पोटेंशियल है, टर्मिनल वोल्टेज है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, एक रिलेशन तो ऐसे ही होगा। दूसरा अगर हम टर्मिनल वोल्टेज के केस में अगर हम बात करें कि V इक्वल टू क्या होगा E माइनस आई आर होगा, ये कब होगा जब ये बैटरी डिस्चार्ज हो रहा होगा, मतलब बैटरी से चार्ज निकल रहा होगा, ये होगा डिस्चार्जिंग के केस में, ये कब होगा बच्चों डिस्चार्जिंग के केस में, जब इसी का क्या होगा जब इसी को हम चार्ज कर रहे होंगे तब यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, ये चार्जिंग के केस में जाएगा V इक्वल टू ईएमएफ प्लस आईआर। हाँ अगर आप इस पर ऐसे देख रहे हैं ये होगा चार्जिंग के केस में। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, हाँ इसी को हम लोग अगर सपोज करें यहाँ पर आई को लिए थे, आई का वैल्यू निकालना होगा ईएमएफ ऊपर चला जाएगा, हाँ ये कई तरह से हो सकता है, हम ऐसे लिख सकते हैं आई इक्वल टू ई बाय आर प्लस आर होगा, वैसे ऐसा रिलेशन हम देखते आते हैं, ठीक है। तो ये रिलेशन हमारा जो है रिक्वायर्ड रिलेशन है वो क्या है ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल वोल्टेज और इंटरनल रेजिस्टेंस के बीच हमारा ये रिलेशन इस्तेमाल होगा। इसके बीच अब हमारा एक क्वेश्चन हम करते हैं एससी वर्मा से।